हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। हमारे शुगर किचन एंड हेल्थ टिप्स चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आशा रानी आज शुगर वाले भाई बहनों के लिए बहुत ही जबरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाऊंगी शुगर वाले भाई बहनों के लिए बाजरे की रोटी, जो शुगर वालों को बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, जो शुगर वालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ चुका है, ऐसे में अगर आप बाजरे की रोटी और बथुए के साग का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। बाजरे में बहुत ही ज्यादा ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बाजरे की रोटी खाने से कहीं शुगर लेवल न बढ़ जाए, परंतु ऐसा नहीं है। बाजरे की रोटी खाने से शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा और ना ही इससे आपको कोई नुकसान होगा, बल्कि बाजरा शुगर में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और बाजरे की रोटी एक समय में कितनी खानी चाहिए यह भी बताऊंगी। यह जानने के लिए वीडियो देखते रहें। अब बनाते हैं बाजरे की रोटी। रोटी बनाने से पहले तमाम शुगर व बीपी वाले भाई बहनों से विनती करती हूँ कि नियमित दोनों समय सैर जरूर करें। 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को सैर करते समय हल्का सा तेज चले और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शुगर में खान पान विशेष महत्व रखता है। इसीलिए खान पान सोच समझ कर ही करें। अब सबसे पहले बाजरे के आटे को अच्छे से छान लेंगे। देखिए, हमने छान कर रखा। छानने के बाद इसको भून लेंगे। देखिए, इसको भून लेना है, ना ही ज्यादा इसको पतला करना है और ना ही ज्यादा इसको टाइट करना है। देखिए, ऐसे थोड़ा नरम भूनना। अब गैस पर तवा रखेंगे, तब तक हमारा तवा गर्म होता है, हम रोटी बना लेंगे। इसको अच्छे से सेकना है। ये देखिए, इसीलिए इसकी छोटी गोली बनानी है। अगर हम ज्यादा मोटी गोली बनाएंगे तो हमारी रोटी कच्ची रह जाती है अंदर से, इसीलिए इसे छोटी लेनी। और ये देखिए, आसानी से बन जाती है, इसे बनाना कोई मुश्किल बात नहीं। आप इसे चकले से भी बना सकते हैं, बेल लेंगे। देखिए, ऐसी रोटी बेलने के बाद हम इसको तवे पर डाल देंगे। अब इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। अब रोटी को पलट देंगे। देखिए, दोनों तरफ से ऐसी हो चुकी है। अब इसे उतार लेंगे, दूसरी डाल देंगे। ऐसे गैस पर सेक लेंगे। देखिए, दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। देखिए, हमारी रोटी अच्छे से सेक चुकी है। दूसरी भी ऐसे ही सेक लेंगे। इसको भी पलट देंगे। देखिए, इसको भी ऐसे ही सेक लेंगे। देखिए, हमारे शुगर वाले भाई बहनों के लिए बाजरे की रोटी बिल्कुल तैयार है। और यह बथुए का साग, आप इसे बेफिक्र होकर खा सकते हैं। दो रोटी बाजरे की और बथुए का साग, आप इसे बेफिक्र होकर खा सकते हैं। इससे आपका शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, परंतु ध्यान रहे, एक समय में आप दो ही रोटी का सेवन करें। बथुए का साग आप ज्यादा से ले सकते हैं, क्योंकि यह शुगर में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए हरी सब्जी है, ताकतवर है और बीच में अनेकों पोषक तत्व पाए जाते हैं।
और सर्दियों के मौसम में आप बाजरे की रोटी जरूर बनाएं, खाएं और खिलाएं। और धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर बने रहें, नई नई जानकारी पाते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दोस्तों।